बहुत दुख है आपको, बहुत तकलीफ है आपको कि आपको धोखा देने वाले आपके अपने ही हैं। आपसे झूठ बोलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ रह करके आपके पीठ में खंजर डाला है, जिन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है। सो अगर ये कहानी आपकी है, सो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए देना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है क्या कुछ आ रहा है, सो आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, क्या कुछ आ रहा है इन लोगों के लिए और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ओके, सो जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या चाहते हैं आप लोग अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, सो ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, सो चलिए एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पर शुरू करने जा रही हूँ, स्प्रेड लेने जा रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर लीजिए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती हैं, सो एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो पॉजिटिव हो जाइए, शांत हो जाइए, बिल्कुल दिमाग को शांत कर लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखकर अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है इन लोगों के साथ जिन्होंने इनको दुख दिया है। सो चलिए कार्ड स्प्रेड ले लेते हैं। ओके, तो पहला कार्ड मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, राइट? ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है 10 of Wands का कार्ड। सो सबसे पहले राशियाँ जो अपीयर हुई हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एम्परर। ओके, सो एम्परर आया है यहाँ पर, एरीज, मेष राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है, मून, पाइसिस राशि, ओके, मीन राशि प्रोमिनेंटली आई है, डेविल आया है, ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि निकल करके आई है आपके, 5 of Wands, ओके, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, सो देखिए ये कुछ कार्ड्स आए हैं, एक और ले लेती हूँ मैं। ओके, टावर आ गया है, 2 of Cups, 10 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, 10 of Swords एंड 7 of Cups। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं आप लोगों के बारे में। सो देखिए जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो यहाँ पर किसी ना किसी ने इनके ऊपर कुछ तो भी ऐसा किया है, इनको अपने काबू में किया है, इनको अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। तो कोई तो ऐसा इंसान है, कोई तो ऐसी डेविल एनर्जी वाला इंसान है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज भेज रखी हैं। आपके पर्सन के ऊपर कुछ तो इन लोगों ने करवाया हुआ है जिससे कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, राइट? और आप लोगों की ना आप दोनों एक दूसरे के सुनने को नहीं तैयार हो, बिल्कुल भी एक दूसरे के सुनने को तैयार नहीं हो। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन के बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आया है कि आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एंगर आने लगा है, बहुत गुस्सा उनको आने लगा है, एंड ईगो में तो इतनी ज़्यादा भर गए हैं ना अभी कि पहले पहले भले ऐसे नहीं थे, राइट? पहले कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम आप दोनों ने बिताया है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी पर्सन की एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट? पहले आप लोग एक फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड करते थे,
लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये डेविल एनर्जी आई है, जैसे कि जैसे ही किसी ने इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाया है या कुछ इस तरीके की बुरी नज़र इन पर डाली है कि आपके पर्सन के अंदर ना एकदम चेंजेस आए हैं, ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, आपकी तरफ ना इनका बिहेवियर अचानक से बदला है, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा की हैं, लड़ाइयाँ करवाई हैं, ठीक है। आप ना बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो चुके हो, थक चुके हो, ये बोझ उठाते उठाते दुखी हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, ये लोग आपकी बात समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बस आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या गलत बोला गया है, गलत सोचा गया है, ठीक है। आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, आपका रिलेशनशिप इन लोगों ने तोड़वा दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि आपके अपनों ने ही आपके पीठ में खंजर डाला है, इस चीज़ का अफसोस आपको सबसे ज़्यादा है ना। एक वक्त पर सब अच्छा चल रहा था, पास्ट की अगर मैं बात करूँ, पास्ट में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, है ना, लेकिन आपका बुरा चाहने वाले लोगों ने, है ना, आपके साथ इस कदर बुरा किया है कि आपसे सब कुछ छीन लिया है ना। आपका बुरा चाहने वाले लोगों के साथ वो इंसान जाके मिल गया जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, है ना। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दर्द देती है, सबसे ज़्यादा दुख देती है, यही एहसास आपको अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, ठीक है। कई बार आप झुके हो, कई बार आपने सब चीज़ ठीक करने की कोशिश की है, ठीक है। इवन आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना गलती के भी माफ़ी मांगी है, ठीक है, आपकी गलती नहीं थी, लेकिन रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए, ताकि ख़राब ना हो, ताकि रिश्ता टूटे ना, आपने सॉरी बोला होगा, आपने संभालने की कोशिश की होगी, आपने इनको रोकने की भी कोशिश की होगी, है ना। बट आपने हमेशा इनका ना, ये जो बदला हुआ बिहेवियर है ना, ये हर बात पे गुस्सा हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन पे भरोसा रखो, हिम्मत नहीं हारनी है आपको, ठीक है, वो आपके अपने हैं, इसी बात का आपको सबसे ज़्यादा दुख और परेशानी आपको यही है ना। सबसे ज़्यादा प्यार जिसको आपने किया, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, है ना, बहुत जल्द उनको अपने हर उठाए हुए गलत कदम पर, हर बुरे शब्दों पर, हर गलत अपनी गलत हरकतों पर बहुत जल्द उनको अफसोस होगा, ठीक है, बहुत जल्द उनको यहाँ पर अफसोस होने वाला है, राइट। एंड वो इमोशंस उनके अंदर धीरे धीरे करके आएंगे, है ना, उनको मतलब आपके खिलाफ खूब खूब झूठ बोला गया है, आपके खिलाफ खूब षड्यंत्र रचा गया है ना, और कहीं ना कहीं उनका झूठ आपने पकड़ा भी होगा, ठीक है, इनकी बातें आपने क्रॉस भी की होंगी कि ये मतलब कुछ भी बोल रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये आपको बता दूँ कि कितना भी कोई झूठ बोल ले, कितना भी कोई षड्यंत्र कर ले, कितनी भी कोई कुछ भी बकवास करता रहे, लेकिन आप सच्चे हो, आपने हमेशा सच का साथ दिया है, आपने हमेशा प्यार का साथ दिया है ना। आपको झूठ से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी और के किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ अपना प्यार वापस चाहिए। अगर हाँ तो रीयूनियन लिखिए, आपको किसी की कोई चीज़ छीननी नहीं है, ठीक है, आपको अपना प्यार वापस चाहिए, राइट। रीयूनियन लिखिए अगर हाँ, कर्मा लिखिए अगर थर्ड पार्टी का कर्मा आप चाहते हैं तो, है ना। देखो आपके बारे में गलत सोचना और करना दोनों इन पे बहुत जल्द भारी पड़ने वाला है, बहुत जल्द भारी पड़ने वाला है, ठीक है। सो जो डेफिनेटली जो डेविल आपके पास भेजा गया है ना, वो इनके ऊपर बैकफायर करेगा, ठीक है। आपकी अहमियत इनको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। और कुछ कार्ड्स ले देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो जल्दी जल्दी यहाँ पर क्लेम कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि बहुत जल्द समय बदलने वाला है। जजमेंट, ओके वाओ,
राइट, बहुत जल्द समय बदलने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके फाइन वेरी नाइस, एंड टेन ऑफ कप्स, ओके ठीक है। सो वो भले ही भूल गए हों आपको, वो भले ही भूल गए हों आपको, पर वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको आपकी याद नहीं आती, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते भी हैं और यहाँ चाहते हैं आपके लिए कुछ कुछ तो आपके लिए करें। आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, कभी कभी इनके दिल में आता है कि कुछ तो आपके लिए करें, है ना। आपने इतना इनको सपोर्ट किया है, आप इनकी फैमिली रहे हो या आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, सो यहाँ पर कुछ इमोशंस आपके लिए अभी भी इनके दिल में बाकी हैं, समझ रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, गलत सोचने वाले, गलत करने वाले आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली समय बदलेगा और इन लोगों की इनकी गलतियों का एहसास होगा और आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। अब फिर इनको आपकी अहमियत भी समझ में आ रही है, है ना। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये वक्त, ये निकालना, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। आप बहुत डिप्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आप निकलना चाहते हो तो भी नहीं निकल पा रहे हो उस डिप्रेशन से बाहर, है ना। वो इंसान जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, ठीक है, उसके लिए ही आप जीते थे, उसके लिए आप मरते थे, उसके लिए आपने सारा सारा दिन आपने इसका इंतज़ार किया है, आपने सब कुछ किया है, ठीक है। आपने अपने पास्ट के खुशियों के पल इसके साथ बिताए हैं, है ना। वो भले ही भूल गए हो पर आप उनकी यादों में आज भी बैठे हुए हो, आज भी उनकी यादें आपको बहुत तकलीफ दे रही हैं, है ना, पर वो बस आपको गलत समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो वापस आएंगे, ठीक है, वो वापस आएंगे। अभी बहुत तकलीफ, अभी इनका कार्मिक्स हैं, जजमेंट है, कार्मिक्स इनको फेस करने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कार्मिक यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल आपको सम्मान देंगे, सम्मान देकर के आपके पर्सन आपके पास कार्मिक्स के बाद डेफिनेटली यहाँ पर लौटेंगे, ठीक है। इन लोगों ने बहुत बुरा आप समय आपको दिखाया है, बहुत बुरा आपके साथ व्यवहार किया है, हर बात का इल्ज़ाम आप पर लगाया गया है, लेकिन लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा उनकी बर्बादी अपनी आँखों से आप देखोगे, है ना। जिन लोगों ने आपको चोट पहुँचाई, आपका तमाशा बनाया ना इन लोगों ने, सबके सामने आपकी बेइज्जती की है ना, आपके बारे में बुरा बुरा बोला है, आपका बुरा चाहा है, आपका बुरा किया है इस थर्ड पार्टी ने, है ना, आपको अंदर तक दुख दिया है, जख्म दिया है। सो अब वो जख्म भरने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर वक्त भरने का समय आ रहा है, आपका अच्छा समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जजमेंट आ रहा है, थर्ड पार्टी की बहुत बुरी गत होने वाली है और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक रीबॉन्डिंग के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं या कार्मिक्स के बाद सोचेंगे। सो जब तक इनके कार्मिक्स से, ये दोनों कार्मिक पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप डिवाइन सोल हो, आप बिल्कुल शांति से बैठो, एफर्ट्स डालो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, काम करते रहो, चलते रहो, ठीक है। जब इनके कार्मिक्स ख़त्म होंगे, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो लिखेगा रीयूनियन, अगर आप चाहते हैं न्यू पर्सन लिखेगा न्यू पर्सन, क्योंकि आपके लिए मैरिड लाइफ आती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए बहुत खुशियों का समय एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा आपका, आपके लिए आगे आने वाला समय है। सो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू पर्सन है तो न्यू पर्सन, रीयूनियन तो रीयूनियन, मूव ऑन तो मूव ऑन, अपने करियर में तरक्की चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, इनकी बर्बादी का टाइम शुरू हो रहा है और आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, ठीक है। सो एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपका अच्छा समय तभी अच्छा होगा जब आप एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। अपने लिए एफर्ट्स डालिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी खुद ही को पहचानिए, अपनी पर्सनालिटी को पहचानिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने फ्यूचर पे काम करना शुरू कर दीजिए। जिसको जब आना होगा वो आएगा, जिसको जब नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, और जो भी आपके लिए अच्छा समय है वो डेफिनेटली आपके लिए आएगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है, ठीक है। सो इस वक्त, बदलते हुए वक्त को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो
आपके आपको आपके पास आएंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर आपसे, राइट। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो, क्योंकि प्यार तो है अभी भी बाकी उनके दिल में आपके लिए। ब्लैक नेगेटिविटी के चलते हुए, ब्लैक मैजिक के चलते हुए, बुरे वक्त के चलते हुए इन्होंने ये सब कुछ कदम उठाए हैं। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। जो भी कार्ड आपको लगता है आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग लव रीडिंग्स, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए। ज़रूर लिखकर बताइएगा आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।